बीजेपी से नाराज चल रही पंकज मुंडे की एनसीपी नेता से मुलाकात के क्या है मायने, अमित शाह निकाल पाएंगे हल। बीजेपी से नाराज चल रही पंकजा मुंडे के एनसीपी नेता से मुलाकात के क्या है मायने, अमित शाह निकाल पाएंगे हल। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे अपनी ही पार्टी से नाराज चल रही हैं। उन्होंने कहा था मैं बीजेपी की हूँ, बीजेपी पार्टी मेरी थोड़ी है। अब खबर है कि वो जल्द ही अमित शाह से मुलाकात करेंगी। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे अपनी ही पार्टी से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही अपनी सभी शिकायतों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगी। उन्होंने बीड़ के परली में गोपीनाथ मुंडे की पुण्यतिथि पर सभा में ये घोषणा की। इससे पहले दिन में उन्होंने एनसीपी नेता एकनाथ खड़से से भी मुलाकात की थी। उन्होंने कहा मेरे नेता अमित शाह हैं, मैंने उनका समय मांगा है, मैं जल्द ही अपनी सारी शिकायतों के साथ उनसे मिलूंगी, मैं उनसे पूछूंगी कि मुझे क्या करना चाहिए। पंकजा मुंडे ने क्या कहा अपना स्टैंड साफ करते हुए, मुंडे ने कहा मैं राजनीति में केवल लोगों के लिए हूँ, न कि अपने परिवार के लिए। लोगों से मेरा मतलब उन लोगों से नहीं है जो मेरे आसपास हैं या मुझसे रोज मिलते हैं। लोगों से मेरा मतलब है आखिरी आदमी से है जो मुझे उम्मीद से देखता है। हो सकता है कि मैं उसे ना देख पाऊं, लेकिन मैं देखती हूं कि उसका कल्याण कहाँ है। मैं उस व्यक्ति के लिए एक स्टैंड लूंगी और अपने स्टैंड पर अड़िग रहूंगी, भलाई वो उन लोगों से अलग हो जिनके साथ मैं काम कर रही हूं। ये मुझे अपने पिता से विरासत में मिला है। गोपीनाथ मुंडे हमेशा दलितों की भलाई के लिए खड़े रहे। उन्होंने ही मराठ कोटे की मांग का समर्थन किया था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ओबीसी कोटे में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। एकनाथ खड़से से मुलाकात पर क्या बोली, इस बीच उनके चचेरे भाई और एनसीपी के वरिष्ठ नेता धनंजय मुंडे ने कहा था कि उन्हें अपनी बात कहने में संयम बरतनी चाहिए। एनसीपी के एक अन्य नेता और पूर्व बीजेपी मंत्री एकनाथ खड़से ने भी उनसे मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। इस मुलाकात पर मुंडे ने कहा वो मेरे पिता के मित्र के रूप में यहाँ आए थे, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई।